पीएम मोदी के कार्यक्रम में आने पर जो है आप देखिए कि रांची के पूर्व उप महापौर संजीव विजयवर्गीय के साथ जो है तमाम महिलाएं जो है हनुमान चालीसा का आरती करके जो है पीएम मोदी का स्वागत और इंतजार अभिनंदन किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से जो है पीएम मोदी का इंतजार किया जा रहा है और यहाँ पर सभी जो है स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। पीएम मोदी का कार्यक्रम अब से कुछ देर बाद जो है होना है और हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, क्या कहेंगे मोदी जी कहने पे? देखिए केवल हनुमान चालीसा का ही पाठ नहीं बल्कि सभी देवी देवता आज रांची की धरा पे उतर गए हैं। जब मोदी जी की खबर आई तो चाहे साधु संत हो चाहे कोई समाज हो आज सब इस रातू रोड की धरा पे दिख रहे हैं। आम जनता के साथ साथ भाजपा के कार्यकर्ता लगातार पूरे क्षेत्र में फैले हुए हैं और सबका एक ही नाम मनसा कि आने वाले दिनों में हम झारखंड की धरती पे जो भ्रष्टाचारी सरकार है उसको उखाड़ फेंकेंगे और झारखंड की धरती पे भाजपा की पुनः सरकार को लाने का काम करेंगे। क्या परिवर्तन होने वाला है? परिवर्तन हो गया है। आज हनुमान चालीसा जो आपको गूंज रहा है वो शुरुआत है। हम परिवर्तन की दिशा पे चल चुके हैं। भगवान राम ने आशीर्वाद दे दिया है और 23 जो तारीख आएगी उस दिन हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम करेंगे। कब से इंतजार कर रही है महिलाएं? देखिए मोदी जी का कोई इंतजार नहीं, मोदी जी के स्वागत की तैयारी में लोग खड़े हैं। मोदी जी रात को 12 बजे भी आएंगे तो आपको यही जो कार्यकर्ता जनता दिख रही है वो उस समय भी दिखेगी। देखिए पीएम मोदी के इंतजार में जो है हमेशा जनता तैयार रहती है। सर क्या कहेंगे आप लोग, ये जो उत्साह और ये उमंग है क्या कहना चाहेंगे लोगों में? क्या कहेंगे? देश के प्रधानमंत्री जी का सभी लोग बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी को झारखंड की जनता का डायरेक्ट आशीर्वाद यहाँ पर प्राप्त होने जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब भी और जहाँ भी जाते हैं सदैव इसी प्रकार का माहौल होता है और उनका आना इस बात का संकेत है कि 23 तारीख के दिन हम पूर्ण बहुमत की सरकार झारखंड में बना रहे हैं। तो 23 तारीख को पूर्ण बहुमत की सरकार जो है बनने जा रही है। सर आप लोग कितने आश्वस्त हैं इस बार परिवर्तन को झारखंड में? झारखंड की जनता ने जो 5 साल झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस सरकार का अत्याचार झेला है, जो विकास कार्यों से दूरी बनी है, वो जवाब जनता देगी। जो गुमराह करने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोगों ने किया है, जनता मन बना चुकी है परिवर्तन का, झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनाने का। जिस तरीके से राहुल गांधी और हेमंत सोरेन ने 5 साल यहाँ के अनुसूचित जाति को, जनजाति को, महिलाओं को, युवाओं को प्रताड़ित और शोषित करने का काम किया है, जनता परिवर्तन करेगी और भाजपा गठबंधन की रणनीति सरकार बनाएगी। तो भाजपा जो है परिवर्तन और पूर्ण सरकार बनाने की बात जो है राज्य में कह रही है। आप तस्वीरें देख रहे हैं राजधानी रांची के रातू रोड के, जहाँ की रोड शो जो है पीएम मोदी का होना है और उसको रोड शो को लेकर जो है आप देखिए चारों तरफ की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जो है संजीव विजयवर्गीय जो पूर्व में डिप्टी मेयर रह चुके हैं रांची नगर निगम के, उनके जो है तत्वावधान में कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा है। Kundal tilak charu daru ambu bhoota.